नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 20वां दिन है। कृषि कानून के विरोध में ये किसान 20 दिन से डटे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें, सरकार फिर से बातचीत करना हालांकि चाहती है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल के उपवास आंदोलन को सफल बताया और कहा कि किसान वापस नहीं जाएगा। टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारे ट्रैक्टर गाड़ियों को रोका गया तो हम फिर हाईवे रोकेंगे। उधर दिल्ली में आपको बता दें, रास्ता बंद होने की वजह से करीब 800 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। तो लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सबसे बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, जो कि पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकारों को बात सुननी पड़ेगी, वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं, ठीक है। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले। अगले की जो रणनीति होगी वो कल के बाद में होगी और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग, सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रोलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरेसमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा वहाँ पे? नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।